बुधवार को मध्य प्रदेश में कोरोना के 20 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 86 हो गई है। राज्य में बढ़ते आंकड़ों के बीच सबसे चिंताजनक है राज्य में बच्चों के बीच बढ़ता कोरोना का संक्रमण। 20 नए मामलों में 19 इंदौर से हैं और एक खरगोन से। इंदौर से जो मामले सामने आए हैं उसमें से 9 एक ही परिवार से हैं। अधिकारियों की माने तो इंदौर के तंजीम नगर में रहने वाले परिवार के 3 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन बच्चों की उम्र 3 साल, 5 साल और 8 साल है। कोरोना वायरस के अब तक के संक्रमण पर गौर करें तो उम्रदराज व्यक्ति ही इस बीमारी की चपेट में ज्यादा आते हैं, लेकिन अब कम उम्र के बच्चों में हो रहा संक्रमण चिंताजनक है। बता दें कि इंदौर में कोरोना का संक्रमण सबसे ज्यादा है। यहाँ पर कोरोना के 63 मामले अब तक सामने आ चुके हैं, इनमें से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।